हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल थ्योरी पर। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे DOL स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग के बारे में। सबसे पहले हम आप लोगों को सर्किट डायग्राम के माध्यम समझाएंगे, उसके बाद जो है प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ये है आपका फेज वायर, यहाँ से इस टर्मिनल पर आएगा। MCB है ये, MCB का एक टर्मिनल पर आएगा, उससे आउटपुट जो निकल के आएगा वो स्टॉप पुश बटन के एक टर्मिनल पे इनपुट होगा, उस पर आएगा, एंट्री करेगा, और फिर वहाँ से उसके आउटपुट टर्मिनल से निकल करके OLR पे जाएगा। OLR से आउट हो करके NO पुश बटन पर आएगा। उसके दूसरे सिरे से हो करके कॉन्टैक्टर के एक टर्मिनल पर जाएगा, और दूसरी टर्मिनल पे आपका न्यूट्रल वायर कनेक्ट होता है कॉन्टैक्टर के। इस प्रकार से ये सर्किट डायग्राम तो कंप्लीट होता है, बट इसको कंटिन्यूस स्टार्ट होने के लिए जो है होल्डिंग करंट चाहिए, जो कि हम क्या करते हैं स्टार्ट बटन के पैरेलल में देते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे। ये आपका कॉन्टैक्टर है, ये आपका रिले है, और ये कंट्रोल MCB है, और ये स्टॉप पुश बटन है, और ये स्टार्ट पुश बटन है। इसमें हम लोग सबसे पहले फेज वायर और न्यूट्रल वायर दो यहाँ से कनेक्शन आता है, जिसमें से फेज वायर का कनेक्शन MCB के इनपुट पर देते हैं, और MCB के आउटपुट से एक वायर ले करके स्टॉप पुश बटन के एक टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं, और वहाँ से स्टॉप पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से एक वायर ले करके रिले के 95 पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद 96 से आउटपुट लेते हैं इस रिले के, और स्टार्ट पुश बटन के एक पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं, और दूसरी टर्मिनल से कनेक्शन ले जा करके कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पर देते हैं। उसके बाद होल्डिंग करंट के लिए एक वायर लेते हैं और NO के इस टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं, और एक वायर लेते हैं इस NO के दूसरे सिरे से ले करके आते हैं, और 96 के इस टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। ये 95 और 96 रिले का NC कनेक्शन है, और न्यूट्रल वायर यहाँ से लेते हैं। न्यूट्रल वायर का कनेक्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स होता क्या है, फेज सप्लाई हम यहाँ से देते हैं, जैसे ही हम इसको सप्लाई यहाँ से आपका आता है, यहाँ से NC के माध्यम से सप्लाई यहाँ तक आती है, यहाँ पर आकर सप्लाई रुकी रहती है। फिर जैसे ही हम पुश बटन को स्टार्ट पुश बटन को ऑन करते हैं, तुरंत इसकी सप्लाई इस रास्ते से होकर इस वायर से A1 टर्मिनल पर पहुँचता है, और यहाँ से न्यूट्रल मिल जाता है। इस प्रकार से क्वायर पिकअप हो जाता है और हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को छोड़ते हैं, फिर से यहाँ सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, बट हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्टैक्टर कंटिन्यू स्टार्ट रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं होल्डिंग करेंट दे देते हैं। चूँकि यहाँ पर सप्लाई हमेशा इस तार के माध्यम से, ये NC है तो यहाँ पर अवेलेबल होता है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं एक तार के माध्यम से यहाँ पे NC पे दे देते हैं, NO पे देते हैं, और इस दूसरे NO पॉइंट से हम क्या करते हैं A1 टर्मिनल पर देते हैं कॉन्टैक्टर के कॉइल पर। और उसके बाद जैसे ही ये कॉन्टैक्टर आपका पिकअप होता है स्टार्ट करने पर, तो पिकअप होते ही नॉर्मली जो ओपन होता है आपका नॉर्मली क्लोज हो जाता है, जिसके माध्यम से सप्लाई हमारे डायरेक्ट यहाँ से पास होकर के कॉइल पर जाता है। फेज सप्लाई यहाँ से मिल गई और न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ से है। इस प्रकार से आपका कंटिन्यूस कॉन्टैक्टर ऑन रहता है, और जैसे ही हम यहाँ पे पुश बटन को प्रेस करते हैं तो इसकी सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, और इस प्रकार से ये ऑफ हो जाता है कॉन्टैक्टर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग का सर्किट डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, और यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।